नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल के 13वें सीजन का आज 31वां मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच शारजाह के मैदान पर 7:30 बजे खेला जाना है। ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है कि जहां पर एक तरफ किंग्स इलेवन पंजाब को हर हाल में ये मुकाबला जीतना है, तो वहीं पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट टेबल में और ऊपर की ओर जाना चाहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, क्या आखिरकार किन किन खिलाड़ियों को इस मुकाबले में मौका मिलेगा। साथ ही हम आपको बताएंगे हेड टू हेड मुकाबलों में कौन सी टीम है एक दूसरे के ऊपर भारी। साथ ही 2020 के आईपीएल में जब दोनों टीमें आमने सामने हुई थी तो कौन सी टीम बनी थी विजेता, और साथ ही पिच रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। तो तमाम जानकारी इस मुकाबले से जुड़ी हुई आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले को जीते, तो कर दीजिए इस वीडियो को एक लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा कर रख लें। तो दोस्तों, दोनों टीमों के आईपीएल के प्रदर्शन की बात करें 2020 के, तो इस समय रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नंबर 3 पर है। अपने शुरुआती 7 मुकाबलों में से इस टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं और 10 अंकों के साथ ये टीम इस समय नंबर 3 पर है, और साथ ही प्ले ऑफ में पहुंचने के लिए काफ़ी प्रबल दावेदार बन चुकी है और अब सिर्फ इन्हें 3 मुकाबले ही जीतने हैं। तो वहीं पर हम बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो पंजाब के लिए यहाँ पर हाल काफ़ी बुरा है क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब को अपने बचे हुए सभी 7 मुकाबले जीतने हैं तभी वो प्ले ऑफ में पहुँच सकती है। तो इसके लिए इनकी टीम के लिए हर मुकाबला करो या मरो वाला रहना है। अब तक इस टीम ने 7 मुकाबले खेले जिसमें सिर्फ एक ही मुकाबले में जीत दर्ज कर पाई है। वहीं पर अब दोनों टीमों के उन खिलाड़ियों की बात करें जो आज के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करके टीम को जीत दिला सकते हैं, तो यहाँ पर बेंगलुरु की तरफ से कोहली और डिविलियर्स के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इसके अलावा एंड पिंच और देवदत्त पड्डीकल ने भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली पर रहने वाली है। एबी डिविलियर्स ने इनके पिछले मुकाबले में इसी मैदान पर काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी और एक बार फिर उम्मीद है कि उसी तरह की बल्लेबाजी वो करके दिखाएंगे। वहीं पर इस बार आरसीबी की गेंदबाजी भी काफ़ी दमदार रही है, वो चाहे इसरो उडाना हो या फिर युजवेंद्र चहल, नवदीप सैनी, या फिर ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर क्रिस मॉरिस और वाशिंगटन सुंदर ने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की है। यानी कि एक मजबूत टीम नज़र आ रही है इसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, और वो इनकी जीत में भी दिख रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक बार फिर इनके गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे और साथ ही बल्लेबाजी में बल्लेबाज भी जिस तरह की बल्लेबाजी पिछले मैच में की थी इनकी तरफ से। एबी डिविलियर्स ने जहाँ एक समय टीम 160-170 रन बनाती दिख रही थी, वहाँ पर 194 रन बना दिए थे उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर 73 रनों की पारी खेली थी। वहीं पर अब किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो इनकी तरफ से इनके दोनों ओपनर बल्लेबाज काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं। बात करें हम मयंक अग्रवाल और उनके साथ लोकेश राहुल की, तो इस समय दोनों आईपीएल में ऑरेंज कैप की रेस में टॉप पर बने हुए हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज इनकी टीम से अच्छी फॉर्म में नहीं है सिवाय निकोलस पूरन के, तो यह इस टीम के लिए एक समस्या हो सकती है। लेकिन आज के मुकाबले में इस टीम की तरफ से क्रिस गेल वापसी करेंगे तो उम्मीद है कि वो बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाएंगे। वहीं पर गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने अच्छी गेंदबाजी की है और इनके साथ यहाँ पर युवा रवि बिश्नोई ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, तो इन दोनों से भी आज बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी यहाँ पर किंग्स इलेवन पंजाब को। वहीं पर अब हम दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की उनकी ताकत हमेशा से ही बल्लेबाजी रही थी, और बल्लेबाजी में इस टीम के पास एबी डिविलियर्स, एंड पिंच, विराट कोहली जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हैं। लेकिन इस बार बल्लेबाजी के साथ साथ इस टीम की ताकत इनकी गेंदबाजी भी बनी हुई है। कई गेंदबाजों ने इस टीम के लिए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए कई छोटे स्कोर भी डिपेंड किए हैं, तो एक बार फिर उम्मीद है कि इनके गेंदबाज बेहतरीन गेंदबाजी करेंगे और फिलहाल आरसीबी में कोई कमजोरी नज़र नहीं आ रही है। वहीं पर बात करें किंग्स इलेवन पंजाब की, तो इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी बल्लेबाजी है, जहां पर दो बेहतरीन बल्लेबाज इस टीम के दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में हैं जिनके दम पर यह टीम स्कोर तो बना लेती है, लेकिन गेंदबाजी में इस टीम के पास सबसे बड़ी कमजोरी है जिसके लिए ये बड़े से बड़े स्कोर को भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते लगातार इन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर इनके गेंदबाज बेहतरीन फॉर्म में आएंगे तो ये टीम मुकाबले जरूर जीतेगी। हालांकि इस टीम की किस्मत ही कुछ ऐसी रही कि कुछ मुकाबले बिल्कुल नज़दीक जाकर ये हारी है, तो उम्मीद करते हैं आज के मुकाबले में इनके गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो चले दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले, कौन सी टीम किस पर है बारी। तो अब तक हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो दोनों टीमें आमने सामने 24 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 11 मुकाबलों में जीत मिली है तो किंग्स इलेवन पंजाब को 13 मुकाबलों में। यानी कि किंग्स इलेवन पंजाब का रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर पलड़ा भारी है। वहीं पर दोनों टीमों के आईपीएल 2020 में हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मुकाबला दोनों टीमें खेल चुकी है, और उस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराया था। यानी कि पंजाब ने सिर्फ एक ही मुकाबला जीता, साथ में वो भी
रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ भी जीता था, जिसमें केएल राहुल ने शानदार शतकीय पारी खेली थी। यानी कि हेड टू हेड में तो अब तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के ऊपर किंग्स इलेवन पंजाब पारी पड़ती दिखी है। वहीं पर अब हम बात कर लेते हैं शारजहाँ के इस ग्राउंड रिकॉर्ड की और साथ ही पिच का मिजाज किस तरह का रहने वाला है। तो यहाँ पर पिच अब बदल चुकी है, पहले यहाँ पर काफ़ी बड़े स्कोर बनते थे लेकिन अब वो यहाँ पर औसत स्कोर 180 हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहा। अब आप 180 और 90 के स्कोर को यहाँ पर डिपेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर 225 रन भी डिपेंड नहीं कर सक रहे थे। यानी कि अब पिच यहाँ पर बदल चुकी है, लेकिन जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पर बल्लेबाजी करना ही पसंद करेगी, क्योंकि यहाँ पर वे अब तक 6 मुकाबलों में 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 कि आखिरकार कौन सी टीम इस समय मजबूत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आज क्रिस गेल वापसी करने वाले हैं। आईपीएल 2020 में ये क्रिस गेल का पहला मुकाबला होगा। अब तक 7 मुकाबलों में हमें क्रिस गेल का इंतजार था लेकिन वो नहीं खेले थे, लेकिन अब पूरी तरह से फिट हैं और वो खेलते हुए नज़र आने वाले हैं इस मुकाबले में। यानी कि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से आज ओपनिंग करने वाले हैं क्रिस गेल और मयंक अग्रवाल यहां पर ओपनिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं, और लोकेश राहुल इसके बाद नंबर 3 पर खेलते हुए हमें दिख सकते हैं, क्योंकि वो भी यहां पर नंबर 3 पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 की बात करें तो यहां पर निकोलस पूरन खेलते हुए नजर आएंगे। पूरन भी अच्छी फॉर्म दिखाई है अब तक, तो उम्मीद है कि वो एक बार फिर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। वहीं पर नंबर 5 पर उतरने वाले हैं मनदीप सिंह। उम्मीद है कि मनदीप सिंह भी यहाँ पर बेहतरीन पारी खेलेंगे। अब तक उन्हें ज़्यादा मौका भी नहीं मिला लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन मौका उनके पास रहेगा। इसके बाद नंबर 6 पर ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे, जो कि अब तक आईपीएल 2020 में एक भी छक्का नहीं लगा पाए हैं। इसके बाद नंबर 7 पर उतरेंगे क्रिस जॉर्डन, तो नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, 9 पर मुर्गन अश्विन, 10 पर रवि बिश्नोई और 11 पर अर्शदीप सिंह उतरने वाले हैं। यानी कि टीम के पास अच्छी खासी गेंदबाजी है, तो उम्मीद है कि आज ये टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएगी बल्ले और गेंद दोनों से। वहीं पर इसके बाद हम जान लेते हैं अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग करने वाले हैं एन फिंच और देवदत्त पद्दिकल। दोनों ने अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, एक बार फिर दोनों से यहां पर बेहतरीन उम्मीद रहेगी बेहतरीन शुरुआत की। तो वहीं पर नंबर 3 पर उतरेंगे कप्तान विराट कोहली। विराट कोहली भी गजब की फॉर्म में है। तो नंबर 4 पर एबी डिविलियर्स उतरेंगे। पिछले मुकाबले में धमाकेदार पारी खेलने वाले डिविलियर्स से एक बार फिर टीम को उम्मीदें रहेगी। तो वहीं पर नंबर 5 पर शिवम दुबे उतरने वाले हैं ऑलराउंडर बल्लेबाज के तौर पर। इसके बाद नंबर 6 पर उतरेंगे वाशिंगटन सुंदर, तो नंबर 7 पर क्रिस मॉरिस, नंबर 8 पर इसरो उडाना, नंबर 9 पर नवदीप सैनी, 10 पर मोहम्मद सिराज और 11 पर युजवेंद्र चहल उतरने वाले हैं। यानी कि टीम के पास कई शानदार ऑलराउंडर और बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है इस बार, जो कमाल कर रहे हैं इस आईपीएल में। तो उम्मीद है कि एक बार फिर इस मुकाबले में भी वो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपके हिसाब से दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखने के बाद क्या लगता है आपको, इस मुकाबले में कौन बाजी मारेंगे, केएल राहुल या विराट कोहली? कॉमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी राय जरूर दें और साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।